शाहरुख खान के घर मन्नत पर एनसीबी का रेड। मगर क्या हुआ घर के अंदर जब एनसीबी के ऑफिसर्स पहुंचे और शाहरुख खान से मिले। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। लोगों की ये सवाल काफी दौड़ रहा है सोशल मीडिया पर और कई जगह जहां तक काफी तेजी से फैल भी रही है। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर अब ये सुर्खियों में आ चुका है कि शाहरुख खान के घर मन्नत पर एनसीबी के ऑफिसर्स ने रेड मारी है। मगर घर के अंदर क्या हुआ है ये बात लोग जानने के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आप लोग कुछ वीडियो में पूरी तरह से खुलासा कर दूं। एनसीबी के ऑफिसर्स ने रेड मारने के लिए गए थे मन्नत पर, मगर वहाँ के जो बॉडी गार्ड है, वहाँ के जो गार्ड हैं, उन्होंने रोक दिया है। और उसके बाद जब शाहरुख खान के पास पहुंची ये खबर कि एनसीबी के ऑफिसर्स उनके घर पर रेड मारने आए हैं, तो ऐसा नहीं बल्कि जहाँ तक शाहरुख खान ने उनके साथ कॉपरेट किया और रेड का परमिशन भी दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी खोजबीन करने के लिए आप यहाँ आए हैं वो आप कर सकते हैं। तो एनसीबी के ऑफिसर्स को जहाँ तक एंट्री भी मिली, उसके बाद जहाँ तक ऐसा नहीं कि शाहरुख खान अगर चाहते तो रेड नहीं भी पड़ता, मगर शाहरुख खान ने उनके साथ कॉपरेट करते हुए उनको परमिशन दे दिया। और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एनसीबी के ऑफिसर्स भी हैरान हो गए जब शाहरुख खान खुद ही अपने बेटे आर्यन खान का कमरा दिखाने पहुँच गए एनसीबी के ऑफिसर्स को, और जिसके बाद एनसीबी के ऑफिसर्स भी बहुत ही चौंक गए कि ऐसा कैसे जो अपने बेटे का कमरा खुद ही दिखाने शाहरुख खान खुद ही पहुँचे हैं, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला था। वेल, बात एनसीबी के ऑफिसर्स ने अपना काम को आगे बढ़ाते हुए जहां तक आर्यन खान का कमरा को सर्च किया, जिसमें उन्होंने एक लैपटॉप और एक मोबाइल भी जब्त किया है और कुछ ऐसे फाइल भी जब्त की है, जिससे उस पर क्या सर्च होगा और क्या खुलासा होगा ये तो बाद में ही देखी जाएगी। मगर जब आर्यन खान से ये बात एनसीबी के ऑफिसर्स ने पूछी थी कि जी हाँ आपके लैपटॉप भी है, तो आर्यन खान ने कहा था जी हाँ मेरे पास लैपटॉप भी है और एक मोबाइल भी और भी है जो मेरे घर पर है, क्योंकि दूसरा मोबाइल उन एनसीबी के ऑफिसर्स ने जब्त कर ली थी और एक मोबाइल एक लैपटॉप उनके घर पे था, इसीलिए एनसीबी के ऑफिसर्स रेड मारी थी उस मोबाइल और लैपटॉप को जब्त करने के लिए। वेल, आप लोग को बताना चाहूँगा कि जिस तरह जहाँ तक आर्यन खान के मोबाइल में चैट के दौरान कई सारे बात खुलासे हुए हैं, उसी शक के आधारित पर लैपटॉप और मोबाइल जब्त करने के लिए पहुँचे थे एनसीबी के ऑफिसर्स शाहरुख खान के घर पर। वेल, आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ।